हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सीएसआई एंड नेट। तो अब तक हमने देख लिया, अभी जो नेट लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था, यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी बुक का डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई, डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो दी क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ इकोलाई इज रेप्लिकेटेड बाई डायरेक्शनली फ्रॉम अ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बता दें आपको कि जो इकोलाई है, प्रोकैरियोट है, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वह कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया है कि ये जो सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है ये है बाई डायरेक्शनल, मतलब कि दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन में इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाई डायरेक्शनली रेप्लिकेशन होगा। और यह किस होगा, सिंगल ओरी से होगा। ठीक है, एक सिंगल ओरिजिन से रेप्लिकेशन होगा। नॉर्मली ये ऐसे चलेगा और ये वाला ऐसे चलेगा। ठीक है, तो एक सिंगल ओरिजिन से दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। और ये जो ओरिजिन है इसे हम क्या कहते हैं, ओरी सी कहते हैं। सिंगल जो ओरी है उसे क्या कहा जाता है, ओरी सी कहा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंगल ओरिजिन है। अब देखिए ये जो रेप्लिकेशन है ये किस, मतलब लुकिंग लाइक कैसा दिखाई देता है, थीटा के जैसा दिखाई देता है, थीटा फॉर्म में दिखाई देता है। इसलिए इस रेप्लिकेशन को जो इकोलाई है, प्रोकैरियोट है, उनके अंदर जो रेप्लिकेशन होता है बाई डायरेक्शनल होता है फ्रॉम अ सिंगल ओरिजिन और इसी, ये कैसा दिखाई देता है, थीटा के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे थीटा रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, इसे क्या कहेंगे, थीटा रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेप्लिकेशन के तीन स्टेप हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप कौन सा है, टर्मिनेशन। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है आपका इनिशिएशन, सेकंड है आपका एलोंगेशन एंड दी थर्ड स्टेप है वह क्या है, टर्मिनेशन। इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब हम इन तीनों स्टेप के बारे में पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन में, इनिशिएशन में कौन कौन से एंजाइम और प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, इलोंगेशन में कौन से होते हैं एंड फाइनली टर्मिनेशन में कौन कौन से होते हैं। तो देखिए प्रोटीन जो इन्वॉल्व होती हैं इनिशिएशन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट की। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो डीएनए ए प्रोटीन है और किस फॉर्म में, जब इसके पास में एटीपी बाउंड होती है। ठीक है, तो वो तो आपको पता है। तो डीएनए ए प्रोटीन इन्वॉल्व होती है इनिशिएशन स्टेप में, SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। SSB प्रोटीन का क्या काम होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जब इसको हेलिकेज अलग करता है, तो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होंगे और इन सिंगल स्ट्रैंड के साथ में SSB जो प्रोटीन है, लाइक ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, जब इसको हेलिकेज कट करता जाएगा तो ये इस फॉर्म में खुलते जाएंगे और ये जो खुला हुआ फॉर्म है यहाँ SSV आकर के बाइंड हो जाते हैं ताकि वापस से एक दूसरे के साथ पेयरिंग ना कर ले। तो पेयरिंग को रोकने के लिए, डीएनए की पेयरिंग को रोकने के लिए SSV जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आकर के बाइंड हो जाते हैं डीएनए के साथ में। ठीक है, और DNA B है हेलिकेज, DNA C है हेलिकेज लोडर और DNA G है प्राइमेज। तो देखिए इसमें क्या क्या है, DNA A हो गया आपका, SSV प्रोटीन हो गया, DNA B हो गया। DNA B को क्या कहा है हमने, हेलिकेज कहा है। ठीक है, हेलिकेज और DNA C ये क्या है आपका, हेलिकेज लोडर। ये क्या है गाइस, हेलिकेज लोडर है। और DNA G इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमेज कहेंगे। जैसे कि यूकैरियोट में तो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमर जो फॉर्मेशन का काम करता है या फिर प्राइमेज का काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डीएनए जी है प्राइमेज और आपका डीएनए सी क्या है, हेलिकेज लोडर है और डीएनए बी क्या है आपका, हेलिकेज है। ठीक है, तो इनिशिएशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक तो हो गया आपका डीएनए ए, SSB, डीएनए बी, डीएनए सी एंड डीएनए जी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम। चेन के इलोंगेशन में, इलोंगेशन के लिए सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है,
ये तो आप सबको पता है, डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होगी। डीएनए पॉलीमरेज के साथ में डीएनए गायरेज की, डीएनए लाइगेज की और वही एसएसबी प्रोटीन की, ठीक है। एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का या फिर जोड़ने का काम करता है, डीएनए लाइगेज हो गया, डीएनए गायरेज हो गया। डीएनए गायरेज, गायरेज का काम क्या है, जो बाइंडिंग होती है प्रोटीन, जो क्या करता है, जो डीएनए हेलिकेज है वह क्या करता है, बाइंडिंग को रिमूव करता जाता है। बाइंडिंग रिमूव करता जाएगा तो आगे कॉम्प्लिकेशन होते जाते हैं, डीएनए बहुत ज़्यादा टाइट बाउंड हो जाता है, तो उस जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है उसमें हेल्प करता है हमारा डीएनए गायरेज। वह क्या करता है, जो कॉइल्ड है डीएनए उसको रिमूव करता जाएगा आगे से, और पीछे की तरफ क्या करता जाएगा, कॉइलिंग करता जाएगा डीएनए, मतलब कि आगे करेगा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग और पीछे की तरफ पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती जाएगी विद द हेल्प ऑफ डीएनए गायरेज एंजाइम, ठीक है, और डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे हमें किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, डीएनए पॉलीमरेज की, एसएसबी की, डीएनए लाइगेज की और डीएनए गायरेज की। एंड थर्ड जो हमारा स्टेप है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टस प्रोटीन की और डीएनए टोपो आइसोमरेज 4 की रिक्वायरमेंट होती है। टस प्रोटीन, टस प्रोटीन को क्या कहेंगे हम, टर्मिनस बाइंडिंग प्रोटीन कहेंगे, ठीक है, टस प्रोटीन। ये इनको डालनी पड़ेगी इसमें, ये हो गया हमारा टस प्रोटीन। टस प्रोटीन को क्या कहेंगे, टर्मिनेशन यूटिलाइज, टर्मिनेशन, टर्मिनस बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, टर्मिनस बाइंडिंग प्रोटीन, टर्मिनस बाइंडिंग प्रोटीन, और हो गया आपका डीएनए टोपो आइसोमरेज, डीएनए टोपो आइसोमरेज, ठीक है, टोपो आइसोमरेज 4। ये क्या करता है, हमारा जो बना हुआ है पूरा रेप्लिकेशन जो चल रहा है उसको पूरा फ्री करने के लिए, रिलीज करने के लिए हमें टोपो आइसोमरेज की और टस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम यहाँ तक आप कर लीजिए नोट, मैं इंक डाल देती हूँ। तो इनिशिएशन में सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जो डीएनए ए प्रोटीन है, डीएनए ए प्रोटीन का काम क्या है, डीएनए ए प्रोटीन रेप्लिकेशन को इनिशिएट करती है, ठीक है, इनिशिएट करेगी ये प्रोटीन इकोलाई के अंदर, और किस कंडीशन में, जब इसके साथ में एटीपी बाउंड होगा, इन दी बाइंडिंग ऑफ एटीपी। डीएनए ए पॉलीमरेज वही 9 मर के और जो 13 मर के रिपीट्स थे उनके साथ में इंटरेक्ट करेगी, और देन क्या करती है, रेप्लिकेशन जो डीएनए है वहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट करती है। मेल्टिंग के लिए हमें कौन से सीक्वेंसेस की रिक्वायरमेंट थी, एटी रिच सीक्वेंस थे, ठीक है, याद है आपको, एटी रिच सीक्वेंस थे जिनकी मेल्टिंग में रिक्वायरमेंट होती है ताकि डीएनए जल्दी मेल्ट हो जाए, डबल बाइंड होते हैं, ठीक है। ये रफ कर दूँ, तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा इनिशिएशन, इनिशिएशन, इनिशिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी बुक में क्या दे रखा है कि डीएनए ए प्रोटीन इनिशिएट रेप्लिकेशन इन इकोलाई एट ऑरिस सी, ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या करती है, इन द फॉर्म बाइंडिंग एटीपी 9 मर के साथ में जाकर के इंटरेक्ट करती है, और 9 मर के जो रिपीट हैं वह सेपरेशन करते हैं, मेल्टिंग होती है डीएनए की 13 मर के साथ में। तो देखिए सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए, डीएनए ए प्रोटीन और इसके साथ में बाइंड हो गई आपकी एटीपी, फर्स्ट यह इंटरेक्ट करेगी, फर्स्ट इंटरेक्ट, इंटरेक्ट विद, फर्स्ट इंटरेक्ट विद 9 मर, 9 मर के साथ में इंटरेक्ट करेगी, 9 मर के साथ में इंटरेक्ट करके क्या करती है, देन मेल्ट दी, मेल्ट दी डीएनए, मेल्ट दी डीएनए फ्रॉम 13 मर, 13 मर के जो रिपीट हैं वहाँ पर क्या कर देती है, मेल्टिंग कर देती है डीएनए की, ठीक है, मेल्ट होगी डीएनए, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होने लग जाएंगे, देन क्या हो जाएगा, स्ट्रैंड का क्या होगा, सेपरेशन होगा, ठीक है, स्ट्रैंड का जब सेपरेशन होगा, मेल्टिंग होगी, देन डीएनए ए प्रोटीन के पास में क्या है, हमारे 2 डोमेन है बाइंडिंग डोमेन, एक होता है 9 मर के साथ में बाइंड इन दी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, एटीपी बाउंड होगा इसके साथ में, और दूसरा जो होता है वह किसके साथ में इंटरेक्ट करता है, 13 मर के साथ में,
ठीक है। अब ये मेल्टिंग हो गई, फर्दर जो मेल्टिंग है उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डीएनए बी की। अब यहाँ तक तो फर्स्ट हो गई, डीएनए ए प्रोटीन आ गया, स्ट्रैंड का सेपरेशन हो गया, डीएनए ए के पास में दोनों से बाइंडिंग के लिए डोमेन पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। डीएनए ए के पास में क्या पाए जाते हैं, दो डोमेन होते हैं, डीएनए ए के पास में दो डोमेन पाए जाते हैं जो कि किसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, नाइनमर के साथ में इंटरेक्ट करता है और थर्टीनमर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। नाइनमर और थर्टीनमर दोनोंमर के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, स्ट्रैंड का सेपरेशन हो जाएगा, देन क्या होगा, बाइंडिंग होगी, देन एंट्री होगी, एंट्री ऑफ डीएनए बी। डीएनए बी को हम क्या कहेंगे, हेलिकेज। अब हेलिकेज का काम क्या है, हेलिकेज वही डीएनए को सेपरेट करेगा, लेकिन इसकी एंट्री किसके द्वारा कराई जाएगी, डीएनए जी जो कि क्या है, सॉरी डीएनए सी हेलिकेज लोडर है, ठीक है। तो हेलिकेज जो है लोडर है, यह क्या करता है, ओपनिंग करेगा डीएनए हेलिकेज प्रोटीन की रिंग की, और ये जो रिंग है वह किस में आ जाएगी, बाइंड करेगी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ में। जैसे ही डीएनए भी बाइंड करेगा और मूव करेगा लैगिंग स्ट्रैंड पर 5' to 3' डायरेक्शन में, और अनवाइंडिंग होगी डुप्लेक्स की 5' to 3' डायरेक्शन में। देखिए ये लाइन क्या कह रही है, ये जो है वो डीएनए भी हेलिकेज, डीएनए भी हेलिकेज को एंटर या फिर लोड किया जाएगा डीएनए पर, ठीक है। लोड ऑन डीएनए, लोड ऑन डीएनए, डीएनए के पास में दो स्ट्रैंड होते हैं 5' to 3' एंड ये ऐसे जाएंगे, तो देखिए ये हो गया आपका 5' to 3' और ये हो गया 3 to 5। अब ये जो 5' to 3' है ना, ये होगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग, और ये जो 3 to 5 है, 3 to 5 है, ये होगा आपका लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 5' to 3' डीएनए की सिंथेसिस होती है, 5' to 3' होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइमर बाइंड करेगा, अब ये फर्स्ट प्राइमर बाइंड करके कंटिन्यूसली डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। और ये हेलिकेज जो है हमारा एंटर कर रहा है, ये 5' to 3' स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा, सेपरेट होंगे दोनों स्ट्रैंड, सेपरेट होंगे तो यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे सिंथेसिस कैसे होगी, इतना सा जैसे सेपरेट हुआ पोर्शन, तो 5 to 3 इतनी सिंथेसिस होगी, इतनी सिंथेसिस होगी, तो यहाँ पे बीच बीच में प्राइमर एंटर करेंगे, देन सिंथेसिस होगी, तो बहुत सारे प्राइमर हो जाएंगे बीच में और सिंथेसिस होगी डीएनए की, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल प्राइमर, तो जो कि कंटिन्यूस स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता जाएगा उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, और एक होगा लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो डीएनए हेलिकेज है, डीएनए हेलिकेज लोड करेगा डीएनए पे ऑन दी 5' to 3', 5' to 3' जो स्ट्रैंड होगा, 5' to 3' डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड होगा, वह क्या होगा हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होगा। तो डीएनए भी हेलिकेज लोड किया जाएगा डीएनए पर ऑन दी लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ऑन दी लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, 5' to 3' डायरेक्शन में, 3' डायरेक्शन में ये हेलिकेज क्या करेगा, मूव करेगा डीएनए के ऊपर 5' to 3', ठीक है। ये डायरेक्शन जो है वो डिफाइंड होती है स्ट्रैंड के, डीएनए जो बाउंड होता है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होती है हेलिकेज की, उसके लिए इसे किसकी रिक्वायरमेंट, ये जो मूवमेंट हो रही है इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मूवमेंट, और ये एनर्जी किसके द्वारा दी जाएगी, बाई एटीपी के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी के द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करें एसएसबी प्रोटीन, जो एसएसबी प्रोटीन है इनका काम क्या है, एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड के साथ में बाइंड होती है, बाइंड होती है सिंगल स्ट्रैंड के साथ में, सिंगल स्ट्रैंड के साथ में, और इनकी जो बाइंडिंग होती है वह कैसी होती है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट या फिर सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में एसएसबी प्रोटीन क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, और इनका ये प्रिवेंट करती है री एनेलिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, ये क्या करती है, प्रिवेंट दी री एनेलिंग, वापस से जो है वो अटैच ना हो जाए, जुड़ ना जाए, बाइंडिंग ना हो जाए सिंगल स्ट्रैंड की, प्रिवेंट दी री एनेलिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, ये रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं, और इनका जो सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में ये क्या करती हैं, बाइंड करती हैं, सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंड होती हैं किसके साथ में, सिंगल स्ट्रैंडर्ड जो
डीएनए है, हेलिक्स है, उसके साथ में क्या हो जाती है, इनकी बाइंडिंग हो जाती है। देखिए ये पैरा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। डीएनए ए प्रोटीन जो है वो आपकी इनिशिएट करती है रेप्लिकेशन इकोलाई के अंदर, ठीक है। ये जो प्रोटीन है जब इसके साथ में एटीपी बाउंड होगा, 9 मर के रिपीट होंगे, 13 मर के रिपीट होंगे, दो बाइंडिंग डोमेन है इसके पास में, एक बाइंड करेगा 9 मर के साथ में और एक बाइंड करेगा 13 मर के साथ में, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत। मेल्टिंग या फिर डीएनए के स्ट्रैंड का सेपरेशन किस स्ट्रैंड से होगा, आपका जो 13 मर स्ट्रैंड है वहाँ से सेपरेशन होने लग जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा वहाँ से। अब फर्दर जो मेल्टिंग करनी है हमें क्रोमोसोमल डीएनए की, अनपेयर करने हैं दोनों टेम्पलेट ताकि कंप्लीट सिंथेसिस हो सके, उसके लिए डीएनए भी हेलिकेज की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए भी हेलिकेज को लोड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए सी हेलिकेज लोडर के थ्रू क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। और ये जो डीएनए भी हेलिकेज है इसकी जो एंट्री कराई जाती है लैगिंग स्ट्रैंड पर कराई जाती है। लैगिंग स्ट्रैंड होगा आपका 5' to 3' डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है। और जो लीडिंग होगा जहाँ पर सिंगल प्राइमर होगा और कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होगी, बीच में कोई भी ब्रेकेज नहीं होंगे इलॉन्गेशन के टाइम में, वह होगा आपका लीडिंग स्ट्रैंड। एसएसपी के बारे में मैंने आपको बता दिया, एसएसपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, री एनिलिंग को वापस से ये आपस में फिर से अटैच ना हो जाए उसको रोकने का काम करती है। और सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब कि यह नहीं है कि एक एसएसपी इसके पास में पर्टिकुलर सीक्वेंस और एसएसपी प्रोटीन वहीं जाकर के बाइंड कर दिया, नहीं, सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में जाकर के क्या हो जाती है, इनकी बाइंडिंग होती है। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है ओनली डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को, ये तो आपको भी पता है डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है तो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को ही ऐड करेगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और सिंथेसिस करता है इसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट, मैंने आपको पहले बता दिया डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इसको वर्क करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को क्या होगा एग्जिस्टिंग में क्या चाहिए, इसको एग्जिस्टिंग में 3' OH चाहिए होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का 3' OH फ्री चाहिए होता है तभी जो है वो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट ये ऐड कर पाएगा। इसके लिए इसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है यह कैसा होता है, प्राइमर डिपेंडेंट होता है। प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमर इसके चाहे डीएनए का हो या फिर आरएनए का प्राइमर हो, आरएनए या डीएनए कोई भी प्राइमर हो इसको चाहिए होता है, न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। दे कैन नॉट इनिशिएट अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस डी नोवो इन इकोलाई में। डीएनए प्राइमेज हम बात कर रहे हैं, डीएनए प्राइमेज की कौन सा है जो प्राइमर डिपेंडेंट है डीएनए पॉलीमरेज, तो प्राइमर कौन ऐड करेगा यहाँ पर, डीएनए जी क्या करता है, डीएनए जी प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। डीएनए जी किसकी तरह काम करेगा, प्राइमेज की तरह काम करेगा और ये ऐड करता है प्राइमर, ठीक है। डीएनए जी प्राइमेज की तरह काम करेगा, सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है प्राइमेज की। हम क्या कह रहे हैं, प्राइमेज इज ए आरएनए पॉलीमरेज मेकिंग सॉल्ट आरएनए प्राइमर। ये जो डीएनए जी है ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। तो यहाँ पर सॉल्ट आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, ऐड करता है, सॉल्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करता है, ठीक है। सॉल्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड करेगा। आरएनए जो प्राइमर है, आरएनए प्राइमर कॉज द डीएनए हेलिकेज लोडर रिलीज करेगा डीएनए हेलिकेज को, ठीक है। आरएनए प्राइमर जब लोड हो जाएगा तो उसके बाद में जो डीएनए हेलिकेज लोडर है यह रिलीज हो जाएगा। लोडर का काम क्या है, लोड कर दिया, लोड करने के बाद में क्या हो जाएगा, हट जाएगा वहां से। और प्राइमोसोम क्या क्या होगा इसके अंदर, डीएनए भी प्राइमेज, डीएनए भी हेलिकेज, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, प्राइमोसोम बनाएंगे। प्राइमोसोम हम किसे कहेंगे, जिसमें डीएनए भी, जब डीएनए के ऊपर डीएनए भी हेलिकेज प्लस डीएनए जी दोनों प्रेजेंट होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमोसोम कहेंगे, रेप्लिसोम कहेंगे जब डीएनए पॉलीमरेज और ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो चलिए ये हो गया आपका प्राइमोसोम। अब देखिए यहाँ पे स्टेप दे रखे हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, फर्स्ट होगी डीएनए ए प्रोटीन, वो मैंने आपको बताया डीएनए ए प्रोटीन, उसके बाद में डीएनए हेलिकेज, डीएनए बी आ गई, देन उसके बाद में क्या किया जाएगा, डीएनए जी बाइंड होगा, प्राइमेज बाइंड होगा, प्राइमेज डीएनए बी और डीएनए जी मिलकर के क्या बनाएंगे, प्राइमोसोम बनाएंगे। प्राइमोसोम के बाद में अब आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस, अब जब डीएनए बी जी बाइंड हो गया है तो यह क्या करेगा, आरएनए की सिंथेसिस करेगा। आरएनए की जब सिंथेसिस होगी तो इनिशिएशन ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज, अब इतना काम हो गया, देन एंट्री होगी हमारे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, मतलब कि अब इलोंगेशन का स्टेप आ जाएगा, इनिशिएशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
एक स्टेप आपको मैं बताती हूँ इसमें, मतलब कि ये जो पैरा है इसमें क्या दे रखा है कि इकोलाई को टाइम रिक्वायरमेंट होता है 40 मिनट का टाइम रिक्वायरमेंट होता है रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, है ना। लेकिन यह कंप्लीट कर लेता है 20 मिनट में कर लेता है। तो ये जो रेप्लिकेशन है ये कैसे होता है, क्योंकि सेकंड राउंड का रेप्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ये मैं रफ कर दूं, इस पे क्वेश्चन आया है इस पे कि इकोलाई को टाइम रिक्वायरमेंट होता है 40 मिनट का रेप्लिकेशन कंप्लीट करने में, लेकिन ये है आपका 20 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट कर लेता है। तो दो एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन फोर्क इसमें बन जाती है, इसलिए इसे मल्टी फोर्क क्रोमोजोम कहा जाए। सिंगल क्रोमोजोम में एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन फोर्क बन जाती है। तो देखिए इकोलाई को टाइम की रिक्वायरमेंट होती है कितने की, इकोलाई को रिक्वायरमेंट होती है कितनी 40 मिनट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यह कंप्लीट कर लेता है आपका 20 मिनट में, है ना। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, रेप्लिकेशन किस कंडीशन में होगा, रेप्लिकेशन होगा इन फुल्ली मिथाइलेटेड कंडीशन में, ठीक है, फुली मिथाइलेटेड कंडीशन में रेप्लिकेशन होगा। अब जो हमारा टेम्पलेट जो होगा रेप्लिकेशन चल रहा है, टेम्पलेट जो स्ट्रैंड होगा वह कैसा होगा, फुली मिथाइलेटेड होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसा होगा, फुली मिथाइलेटेड होगा। लेकिन ये जो रेप्लिकेशन चल रहा है 40 मिनट वाला इकोलाई के अंदर, तो इनिशियली जो डॉटर डीएनए सिंथेसाइज हुआ है वह आपको मिथाइलेटेड नहीं होगा। इनिशियली सिंथेसाइज्ड डीएनए नॉट मिथाइलेटेड, या फिर यह कैसी कंडीशन होगी इसकी, हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन होगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके लिए एक प्रोटीन दी गई है यहाँ पर, सीक्वेंस ए प्रोटीन का काम क्या होता है कि इनिशियल री इनिशिएशन ना हो जाए रेप्लिकेशन, मतलब कि ये भी चाहता है कि दूसरा राउंड स्टार्ट ना हो जाए रेप्लिकेशन का। इसके लिए इसमें एक प्रोटीन है जो कि नज़र करके रखती है इसके ऊपर इकोलाई में कि रेप्लिकेशन स्टार्ट ना हो जाए ये। लेकिन इसका काम क्या है, इनिशियल, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये पूरे आपके 20 मिनट तक टाइम, थोड़े से देर के लिए जैसे ही सिंथेसिस हो रही है डॉटर डीएनए की, तो इनिशियल जो स्टेप है, ठीक है, हेमीमिथाइलेटेड जो कंडीशन है उस कंडीशन तक ये नज़र करके रखती है कि कहीं रेप्लिकेशन ना स्टार्ट हो जाए। तो इनिशियली यह क्या करके रखती है, इनिशियली प्रिवेंट री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन आप इससे ये मतलब मत निकालना कि ये लास्ट तक नज़र करके रखते हैं, ना, थोड़ी देर के लिए ये स्टार्टिंग में प्रिवेंट करती है। देखिए आपकी बताएगी यहाँ पे कि हेमी मिथाइलेटेड स्टेट ऑफ न्यूली रेप्लिकेटेड और इसी डिटेक्टेड बाई प्रोटीन सीक्वेंस ए, किस कंडीशन को रिकॉग्नाइज करती है, हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन। क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो टेम्पलेट है फुल्ली मिथाइलेटेड है और जो नई डॉटर डीएनए सिंथेसाइज हो रही है वो मिथाइलेटेड नहीं है, तो दोनों को मिलाकर के हम कह देंगे कि ये हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन है, ठीक है। तो हेमी मिथाइलेटेड जो बाइंडिंग है सीक्वेंसेस ए की वह बाइंड हो जाती है। तो ये क्या करती है, जब ये बाइंड होती है ओरी सी के साथ में, तो प्रिवेंट करेगी डीएनए ए की बाइंडिंग को ओरी सी से, ठीक है। ये क्या करती है, डीएनए ए की बाइंडिंग ओरी सी से रोकेगी ताकि रेप्लिकेशन स्टार्ट ना हो जाए। तो प्रिवेंट करेगी इमीडिएट री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये मैकेनिज्म क्या करती है, मैंने बता दिया ना, इनिशियली या फिर इमीडिएट री इनिशिएशन को, रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करती है इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट रेप्लिकेशन को क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है। इवन दो इकोलाई टेक मोर देन 40 मिनट रेप्लिकेट बट डिवाइड कर जाती है सेल 20 मिनट में, यही कारण है क्योंकि बाद में जो है वो सेकंड राउंड रेप्लिकेशन का हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इट कैन बी पॉसिबल ओनली बिकॉज द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड कर लेगा कैपेसिटी टू इनिशिएट ए सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, इकोलाई जो है वो डेवलप्ड द सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन डेवलप्ड कर लेता है
डेवलप कर लेता है सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन बिफोर द प्रीवियस राउंड बी टर्मिनेटेड, बिफोर द प्रीवियस राउंड ऑफ रेप्लिकेशन टर्मिनेटेड। तो फर्स्ट राउंड के टर्मिनेट होने से पहले ही इकोलाई जो है वो सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएट कर लेता है, सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएट कर लेता है। तो छह रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो एक्टिव हो जाएंगे एक सिंगल क्रोमोसोम में, ठीक है। सिक्स रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म्ड इन अ सिंगल क्रोमोसोम, और ये कैसा दिखाई देगा, मल्टी फोर्क, इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी फोर्क क्रोमोसोम कहेंगे। और ये रेप्लिकेशन को हम कहेंगे डाइकोटोमस रेप्लिकेशन, इस रेप्लिकेशन को क्या कहेंगे, डाइकोटोमस रेप्लिकेशन, डाइकोटोमस रेप्लिकेशन, ठीक है। ये आपका इनिशिएशन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में हम कराएंगे नेक्स्ट इलोंगेशन, इलोंगेशन के बाद में टर्मिनेशन, और ये रेप्लिकेशन हो जाएगा आपका कंप्लीट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये देख लिया आप, रफ कर दूंगी मैं, फिर रफ 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 रेस कर दो। इकोलाई के ऊपर ये क्वेश्चन आता है मल्टी फोर्क ये क्या है, डाइकोटोमस रेप्लिकेशन क्या है, ठीक है। 40 मिनट का टाइम है लेकिन 20 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कई बार। सेकंड हम बात करेंगे इलोंगेशन की। एप्लीकेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है सीएसआईआर के लिए, ये मिस मत करना आप, ठीक है बच्चों। इलोंगेशन हमने इनिशिएशन तो देख लिया भाई, इनिशिएशन में क्या है, डीएनए पॉलीमरेज ने सेपरेशन किया, डीएनए जी आया प्राइमेज बनाया, अब दोनों ने मिलकर के प्राइमोसोम बना लिया। अब हमारा क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, मतलब कि ये बिना प्राइमर के, तो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे आप, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, प्राइमर इंडिपेंडेंट है, उसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इलोंगेशन, इलोंगेशन में हम बात करेंगे, देखिए डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द स्टेप टू स्टेप एडिशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड यूनिट टू ग्रोइंग अ डीएनए चेन। बेसक यहाँ पे क्या है, अब इलोंगेशन है, इलोंगेशन में जैसे कि हमारा ये है पूरा 5' to 3', और ये हो गया 5' to 3', ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए हेलिकेज है हमारा कहाँ बाइंड करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अब जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो पूरी चेन को खोलता जाएगा, चेन को खोलता जाएगा, तो यहाँ पे 5' to 3', 5' to 3', ये हमारा डॉटर डीएनए, ये हो गया आपका प्राइमर इधर, ये प्राइमर हो गया, और यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस सिंथेसिस करता जाएगा डीएनए की। अब जब डीएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड हुआ है तो यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पर सिंथेसिस क्या होगी, देखिए यहाँ पे सिंथेसिस होगी, जैसे इतना सा पोर्शन हमारा खुला हुआ है तो सिंथेसिस तो होती है 5' to 3', तो इसका 5' ये होगा, 3' इसका ये होगा, तो यहाँ पर आएगा प्राइमर, यहाँ से सिंथेसिस होगी, ये सिंथेसिस हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ पे प्राइमर आएगा, फिर देन सिंथेसिस होगी इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर बन जाएंगे, मैं प्राइमर बनाती हूँ इधर, यहाँ पे तो सिंगल प्राइमर होगा, ये हो गए प्राइमर, ये हो गया प्राइमर, ये हो गए प्राइमर, ये हो गए प्राइमर, ये हो गए प्राइमर, है ना, क्योंकि स्ट्रैंड की सिंथेसिस 5' to 3' होगी, लेकिन जब ओपन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा पोर्शन जितना खुलता जाएगा उसकी सिंथेसिस करता जाएगा ये, तो बहुत सारे प्राइमर हो जाएंगे। ऐसे फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओपाजा की फ्रेगमेंट कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, कंटिन्यूसली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड है, सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड है, इसे क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, इसे कहेंगे बच्चों लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द स्टेप टू स्टेप एडिशन, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, ऐड करेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करेगा फॉर द इलोंगेशन ऑफ डीएनए चेन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड डी
ऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, फोर दी इलोंगेशन ऑफ डीएनए चैन। डीएनए का इलोंगेशन करने के लिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है, लेकिन ये भैया एडिशन किस फॉर्म में करेगा, एडिशन किस फॉर्म में करेगा? डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, एक तो पहले से ही इसको जो 3' OH है वो चाहिए होता है। देखिए मैं एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस करके बताती हूँ आपको, ये हो गया 5' to 3', है ना, और यहाँ से होगी हमारी 5' to 3', इस स्ट्रैंड डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे है ए टी जी सी, ये हो गई, तो इसका हो गया 3' OH, हो गया ये 3' OH, और यहाँ पे है 5' phosphate। अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, जैसे कि एडेनिन आ रहा है, एडेनिन आएगा, तो एडेनिन का जो 5' phosphate होगा, न्यूक्लियोटाइड के पास में 3 phosphate होते हैं, अल्फा गामा अल्फा बीटा गामा होते हैं, ठीक है। तो अल्फा फॉस्फेट जो है वो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड का ऐड करेगा किसके साथ में, 3' OH, जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, साइटोसिन है, तो इन दोनों के बीच में 5' phosphate, 5' phosphate और 3' OH के बीच में बॉन्ड बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये जो स्टार्टिंग के न्यूक्लियोटाइड हैं, ये इसको रिक्वायर होते हैं, क्यों, ताकि ये न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर सके, डीएनए की चेन का एलोंगेशन कर सके। बाद में ये जो प्राइमर इनको रिमूव कर दिया जाता है ऑब्वियसली, और ये तो आपको पता है कि ये न्यूक्लियोटाइड आएंगे किस फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे है ए टी जी सी टी ए जी सी, तो जैसे यहाँ पे हम कर दें जी, तो इसके हो गया अपोजिट सी, अब यहाँ पे है टी, तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा हमारा ए, एडेनिन आएगा, ये क्या करेगा, इसके 3' OH के साथ में एडेनिन का 5' phosphate क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, दी चेन इलोंगेशन कैटलाइज बाय डीएनए पॉलीमरेज, जहाँ पे 3' OH ऑफ द प्राइमर अटैक दी अल्फा फॉस्फेट ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, अल्फा बीटा गामा 3 phosphate है इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड के पास में, इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड का जो 5' phosphate है उस पर अटैक करेगा एग्जिस्टिंग जो प्राइमर का 3' OH है वो, देन क्या बनेगा, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, तो लीविंग द ग्रुप ऑफ रिएक्शन पायरोफॉस्फेट, मतलब कि इसके पास में 3 phosphate हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा फॉस्फेट तो 3' OH के साथ में इंटरेक्ट कर लेगा, लेकिन ये जो बीटा और गामा है पायरोफॉस्फेट, ये क्या हो जाएंगे, लीव हो जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है, रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, पायरोफॉस्फेट जो है वो निकल जाएगा, 2 phosphate जो है वो निकल जाएंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड डायरेक्ट विद द 4 nucleoside एडिशन, 2 metal line की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए पॉलीमरेज को, 2 metal line कौन से हैं, Mg+2 और Zn+2, Mg+2 और Zn+2, Zn+2, ये 2 metal line की रिक्वायरमेंट होती है, मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए पॉलीमरेज को, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को 2 metal line की रिक्वायरमेंट होती है बाइंड करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स को। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैटलाइसिस हो जाएगी, पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, और ये जो पायरोफॉस्फेट निकला है इसका किसके द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा, पायरोफॉस्फेटेज अटैक ऑन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, पायरोफॉस्फेटेज अटैक करेगा पायरोफॉस्फेट के ऊपर, एंड देन इलोंगेशन होगा डीएनए की चेन का 5' to 3'। देखिए ये 5' to 3' डायरेक्शन में चेन ग्रो करती जाएगी, इलोंगेशन या फिर सिंथेसिस होगी डीएनए की, सिंथेसिस ऑफ डीएनए चेन इन दी 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है, 5' to 3' डायरेक्शन में क्या होगी, डीएनए की चेन की सिंथेसिस होगी। अब देखिए ये क्या दे रखा है नेक्स्ट पेज में, आपके पेज नंबर 114 पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन से, ठीक है, और इसी से होगा जिसे रेप्लिकेशन बन जाएंगी, रेप्लिकेशन फोर्क। अब इसमें कह रहा है कि इन द केस ऑफ बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन में 2 replication fork मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला जो सिस्टम है ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, 2 replication fork अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगी 2 replication fork तो पूरा जो इकोलाई का जीनोम है, 2 replication fork बनती हैं, ठीक है, इकोलाई में जो रेप्लिकेशन फॉर्क है यह है कितना प्रोसीड करती है, 1000 base pair per second per fork,
इकोलाई के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है पर फॉर्क में? इकोलाई में होता है 1000 बेस पेयर पर सेकंड पर फॉर्क, ठीक है। जबकि यूकैरियोट में कितना होता है? ये 100 बेस पेयर होता है पर सेकंड पर फॉर्क। यूकैरियोट में होता है 100 बेस पेयर पर सेकंड पर फॉर्क, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड आपको पहले बता दिया है। इसमें दे रखा है कि ईच ग्रोइंग रेप्लिकेशन फॉर्क के पास में एक स्ट्रैंड होता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है, जो कि कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है फ्रॉम अ सिंगल प्राइमर, ठीक है, 5' to 3' डायरेक्शन में। जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ग्रोथ ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड सेम डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को 3' एंड पर प्राइमर के पर ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। 3' एंड जो है वो प्राइमर के ग्रोइंग स्ट्रैंड पर ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड को। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो स्टार्ट करेगा, लीडिंग जो स्ट्रैंड है सिंथेसिस स्टार्ट होगी, डीनेचर हो जाएगा डीएनए, ठीक है। और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो उसकी क्या होती है बाद में, मतलब कि 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड के जब रेप्लिकेट होते हैं तब फर्स्ट राउंड लैगिंग का क्या होता है शुरू होता है। क्यों? क्योंकि तभी देखिए ये जैसे इतना सा है, ये है पूरा कॉम्प्लिकेटेड डीएनए, ठीक है। अब यहाँ से तो 5' to 3', ये तो है 3 to 5, तो यहाँ से तो रेप्लिकेशन साथ ही साथ स्टार्ट होने लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा फ्री होगा बाइंडिंग, तभी तो रिलीज होगा। इतना सा डीएनए क्या होगा फ्री होगा, इतना सा फ्री होगा तो यहाँ पे प्राइमर आकर के बाइंड करेगा और सिंथेसिस करने लग जाएंगे, लेकिन इसका एक स्ट्रैंड तो फ्री है तो कंटिन्यूसली सिंथेसिस करता जाएगा। तो लैगिंग स्ट्रैंड में सिंथेसिस कब होगी? जब 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड के रेप्लीकेट हो जाएंगे। 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड ऑफ द लैगिंग व्हेन 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेटेड देन फर्स्ट राउंड ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड स्टार्ट या फिर कंप्लीटेड, ठीक है, तब क्या होगा स्टार्ट होगा। कंपेयर करेंगे हम डाई डिसकंटिन्यूअसली मल्टीपल प्राइमर होंगे, इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है, और इसके पास में क्या है मल्टीपल प्राइमर हैं, इसे हम क्या कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है, जबकि ये क्या है कंटिन्यूसली है लीडिंग स्ट्रैंड, इसके पास में है सिंगल प्राइमर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस, ठीक है। साइज ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट का साइज जो है वो इकोलाई में कितना होगा 1000 न्यूक्लियोटाइड का होगा, जबकि यूकैरियोट में कितना होगा 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का होगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट साइज इन यूकैरियोट इज 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और इकोलाई में 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड तक का होगा, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड तक का होगा। रेप्लिकेशन फॉर्क में लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं साथ साथ, ठीक है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो फॉर्क है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दो कॉपी कैटलाइटिक कोर की, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, दो कॉपी कैटलाइटिक कोर की, दो कॉपी स्लाइडिंग प्रोसेसिविटी फैक्टर या फिर स्लाइडिंग क्लैंप की, और एक कॉपी होगी आपकी क्लैंप लोडर गामा कॉम्प्लेक्स की, है ना। ईच जो कैटालाइटिक कोर है इसके पास में अल्फा सब यूनिट का काम क्या है 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए की सिंथेसिस करती है। डीएनए पॉलीमरेज इसके पास में प्रेजेंट होगा। एप्सिलॉन और थीटा है प्रूफ रीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमेज जो है वो एसोसिएट होगा डीएनए बी हेलिकेज के साथ में, डीएनए बी हेलिकेज आरएनए प्राइमर बनाएगा, आरएनए ये तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसे क्या कहेंगे रेप्लिकेशन, अब देखिए वो मैंने पहले बताया था, ब्लैक यूज करते हैं, डीएनए बी प्लस डीएनए जी, ये क्या था प्राइमोसोम, डीएनए बी प्लस डीएनए जी प्लस डीएनए पॉलीमरेज
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या है आपका रेप्लिसोम है। सेम ये रिएक्शन मतलब कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सेम चलेगी, लेकिन वहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे डीएनए जी है प्राइमर फॉर्मेशन के लिए, यूकैरियोट में क्या हो जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हो जाएगा, एलोंगेशन में आपका यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा या फिर एप्सिलॉन हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा या एप्सिलॉन हो जाएगा, बाकी सेम होगी प्रोसेस जो होगी, ठीक है। ओकाजा की फ्रेगमेंट जब फॉर्मेशन होंगे आरएनए प्राइमर, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, टर्मिनेशन का स्टेप आएगा हमारे पास में, उससे पहले हम बताते हैं आपको कि ये जो जैसे फुल हो गया, सिंथेसिस हो गई डीएनए की, ठीक है, फाइनल स्टेप जब सिंथेसिस हो जाएगी तो ये जो ओकाजा की फ्रेगमेंट बने हैं और ये जो आरएनए प्राइमर हैं इनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाएगा, जगह जगह पे ओकाजा की फ्रेगमेंट हैं आरएनए के प्राइमर हैं, इनको रिमूव किया जाता है, वो है जरूरी होता है, ये मैं रिमूव कर दूँ क्योंकि ये जो ओकाजा की फ्रेगमेंट हैं इनमें से आरएनए प्राइमर को रिमूव करके कंप्लीट हम क्या करेंगे डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइगेज की रिक्वायरमेंट होती है प्राइमर को रिमूव करने के लिए 5' to 3' डायरेक्शन में, जो हेक्सोन्यूक्लियेज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए ओकाजा की जो फ्रेगमेंट हैं आरएनए प्राइमर जो बना है उसको रिमूव किया जाएगा, भाई चल जा, आरएनए के जो प्राइमर है उसका रिमूवल किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था इसमें कौन होगा 5' to 3' एक्जो न्यूक्लिएज आपकी किसके पास में है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में है, ये रिमूव करेगा, रिमूव किया जाएगा आरएनए के प्राइमर, बीच बीच में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या हो जाएगा, जब रिमूवल होगा आरएनए के प्राइमर का, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर देन गैप विल बी जनरेटेड, ये दिख नहीं रहा होगा गाइस आपको, गैप विल बी जनरेटेड इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दिस गैप फिल्ड बाई डीएनए लाइगेज, क्योंकि वह जोड़ेगा दोनों को, ठीक है। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, 3' OH और जो 5' फॉस्फेट है उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैटलाइज करेगा, ठीक है। डीएनए लाइगेज जो है वो जैसे बीच बीच में से ये हो गया आपका, ये हो गया प्राइमर और ये हो गया प्राइमर, ये हो गया प्राइमर, ठीक है, आपको बता देते हैं, तो ये हो गया हमारा डीएनए। अब हमने प्राइमर को हटा दिया है 5' to 3' डायरेक्शन में, ये हो गया आपका 3 to 5, तो इस डायरेक्शन में हमने प्राइमर को रिमूव कर दिया है, तो हमारे पास में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बचा। अब इस डीएनए को किसके द्वारा ऐड किया जाएगा, तो इसका 5' फॉस्फेट, इसका 3' OH, यहाँ 5', इनके बीच में बनेगा 3', 5', 3' और 5', इनको बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन है वह किसके द्वारा कैटलाइज किया जाएगा, डीएनए लाइगेज क्या करेगी, कैटलाइज दी फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन बिटवीन 5' फॉस्फेट एंड 3' OH, इन दोनों के बीच में क्या कर देगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यूकैरियोट में एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी एटीपी के द्वारा, एनर्जी इन यूकैरियोट प्रोवाइड बाई एटीपी एंड इन प्रोकैरियोट प्रोवाइड बाई एनएडीपी, एनएडीपी और एटीपी के द्वारा क्या की जाएगी, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये तो हमने इकोलाई के प्राइमर को रिमूव कर दिया, लेकिन डीए यूकैरियोट के पास में तो ये क्या नहीं होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1 नहीं होता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है यूकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाएगा, तो यूकैरियोट के अंदर क्या किया जाता है, आरएनएज
एच होता है, यूकैरियोट में क्या होता है आरएनएज एच होता है, जो कि सेम इसी की तरह काम करता है, लेकिन ये जो आरएनएज एच है ये जो है वो फर्स्ट और जो लास्ट जो आरएनए प्राइमर होता है उसको रिमूव नहीं करता, फर्स्ट डीएनए और लास्ट का जो आरएनए है उसके बॉन्ड को, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक नहीं करता है। तो इसके लिए हमें फ्लैप एंडोन्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। ये मैं ऊपर लिख देती हूँ ना, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पे यूकैरियोट प्राइमर का रिमूवल, ठीक है, प्राइमर रिमूवल इन यूकैरियोट, प्राइमर रिमूवल इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में क्या होता है गाइस, आरएनएज एच एंजाइम होता है, यूकैरियोट के पास में एब्सेंट होता है, एब्सेंट होगा डीएनए पॉलीमरेज वन इसके पास में नहीं पाया जाता है, तो इसके लिए होगा आरएनएज एच जो कि प्राइमर को रिमूव करता है, प्राइमर को रिमूव करेगा बट लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड, लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये है हमारा आरएनए का प्राइमर और ये है डीएनए, है ना, ये है डीएनए, तो यहाँ पे जो आरएनए होगा फर्स्ट, ये आपका आरएनए लास्ट और फर्स्ट डीएनए, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा ना उसको ये ब्रेक नहीं करता, लास्ट वाले आरएनए को छोड़ देता है, लास्ट वाला आरएनए जो है वो और फर्स्ट वाला डीएनए का न्यूक्लियोटाइड इनके बीच में से ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है, हमारा आरएनए एच प्राइमर को पूरे को रिमूव कर देगा बट डू नॉट रिमूव द लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसमें हमारा कौन हेल्प करेगा, FEN1, इसे हम क्या कहेंगे, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, फ्लैप एंडो न्यूक्लियस, फ्लैप एंडो न्यूक्लियस जो है यह क्या करता है, क्लीव करेगा लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, फ्लैप एंडो न्यूक्लियस, फ्लैप एंडो न्यूक्लियस रिमूव द लास्ट राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया आपका FEN1, ठीक है, फ्लैप मॉडल रिमूव कर देगा लास्ट राइबोन न्यूक्लियोटाइड को, क्योंकि जो FEN1 है इसके पास में किसकी एक्टिविटी है, 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है, 5' to 3' न्यूक्लियोटो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास में प्रेजेंट है, ठीक है, ये आप नोट कर लो। ये मैं रफ कर दूं, इसके अगले स्टेप में क्या दिया गया कि देखिए, स्ट्रैंड डीएनए जब सेपरेट होगा, सीधी सी बात है गाइस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, पॉजिटिवली सुपर कॉइलिंग बढ़ जाएगी, जैसे ये हो गया डीएनए, ठीक है, यहाँ से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम रिमूव करते जा रहे हैं, इसको खोलते जा रहे हैं, लेकिन ये जो सुपर कॉइलिंग है इसकी आगे बढ़ती जाएगी, जैसे हम रस्सी है, रस्सी को आगे से खोलते हैं तो पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा कॉइल हो जाती है, वो आगे से तो खुलती जाती है तो पीछे क्या होती जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव सुपर कॉइल हो जाएगी, ये क्या होगी, पॉजिटिवली सुपर कॉइल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, टोपो आइसोमरेज क्या करता है, रिलीज रिक्वायर्ड होता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए, इकोलाई के अंदर क्या होता है, डीएनए गायरेज होता है, इकोलाई में क्या होता है, डीएनए गायरेज, यूकैरियोट में टोपो वन भी रिमूव करता है, तो देखिए इकोलाई के अंदर, इकोलाई में डीएनए गायरेज रिमूव दी पॉजिटिवली सुपर कॉइलिंग, ठीक है, डीएनए गायरेज, और यूकैरियोट में होगा टोपो आइसोमरेज फर्स्ट बी, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है वैसे, इस वाले में गायरेज जो है वो इसके पास में दो सब यूनिट हैं जो कि कट करती है, गायरेज ए कट और रिजॉइन करती है, गायरेज बी जो है वो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, डीएनए गायरेज में गायरेज
ए और गायरेज बी। गायरेज ए क्या करती है, कट करती है एंड रीजॉइन करती है, रीजॉइन करती है। गायरेज बी जो है वो ये क्या करती है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस एंड एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, प्रोवाइड करेगी डीएनए गायरेज जो है वो इसको, हाँ इसके इनहिबिटर लिख लो, डीएनए गायरेज के इनहिबिटर हैं, कौन इसको इनहिबिट करेंगे, इनहिबिटर ऑफ डीएनए गायरेज इनहिबिटर हैं इसके क्विनोलोन एंटीबायोटिक और नेलिडिक्सिक एसिड, क्विनोलोन एंटीबायोटिक एंड नेलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन सिप्रोफ्लोक्सासिन गायरेज ए के साथ में बाइंड होते हैं, नोवोबायोसिन क्या होता है गायरेज बी के साथ में बाइंड होता है, डीएनए गायरेज को इनहिबिट किया जाएगा। ठीक है, फाइनल हमारा टर्मिनेशन स्टेप, देन आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं रफ करती हूँ, फाइनल स्टेप ऑफ एप्लीकेशन इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन अब देखिए टर्मिनेशन कब होगा, पूरा का पूरा जब जीनोम क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, तो एक फाइनल स्टेप पे आकर के दोनों मिलते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आकर के मिलते हैं, जब क्या हो जाएगा रेप्लिकेशन पर टर्मिनेशन कब होगा, जब फुल्ली क्रोमोसोमल जीनोम या फिर डीएनए रेप्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, जब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा फाइनल पॉइंट पर, तो रेप्लिकेशन फॉर्क मीट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट क्या होती हैं, आकर के मिलती हैं और रेप्लिकेशन जो है वो जीनोम का जहाँ पे टर्मिनेशन होता है वहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंस कहते हैं, टर सीक्वेंस या फिर टर्मिनस सीक्वेंसेस, वेयर दी टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन, वेयर दी टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीटेड। ठीक है, टस प्राइंडिंग टर्मिनेशन के लिए कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें टर सीक्वेंसेस कहते हैं, और इसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जिसे हम टस प्रोटीन कहेंगे, टस प्रोटीन करती है जो कि हेल्प करती है टर्मिनेशन में, टस प्रोटीन क्या करती है आपकी टर्मिनेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, और ये जो आपकी डीकैटेनेशन मतलब कि जब रेप्लिकेशन फॉर एक दूसरे के सिंथेसिस हो जाएंगे तो इनका जो डीकैटेनेशन है अलग अलग किसके द्वारा किया जाएगा, इसको टोपो आइसोमरेज फोर एंड ये क्या है सेकंड टाइप का टोपो आइसोमरेज है। ठीक है, सर्कुलर जो क्रोमोसोम है रेप्लिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक इंटरलॉक्ड होता है, ये कंडीशन होती है इंटरलॉक्ड या फिर कैटेनॉइड कंडीशन। ठीक है, इंटरलॉक्ड या कैटेनॉइड कंडीशन इसको फ्री किया जाएगा बाय टोपो आइसोमरेज फोर के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको कंप्लीट किया जाएगा टोपो आइसोमरेज फोर। और ये कैसा है, टाइप टू टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, टाइप टू टोपो आइसोमरेज एंजाइम है। ठीक है गाइज, ये हो गया आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट, और इससे आगे हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन जो कि आप अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइज, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।